अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर, उम्मीद करता हूँ सब फ्री ऐसे होंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक्सेल की एक अमेजिंग ट्रिक, जिसके जरिए हम सम ऑफ डिजिट्स एंड सेल कंटेन ऑल नंबर्स, अगर हमारी वैल्यूज टेक्स्ट में है या न्यूमेरिक में सीक्वेंस में लिखी हुई है, हम उनका सम करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इक्वल ब्रैकेट करेंगे, उसके बाद हम सम का फार्मूला लगाएंगे, सम के बाद हम टू टाइम माइनस कंसोनेंट प्रेस करेंगे, उसके बाद हम करेंगे इसको मीट, मीट के बाद हम करेंगे जहां से हमने टोटल लेना है और उसको सिलेक्ट किया, हम यहाँ टोटल लेंगे, मीट के बाद हम कॉमा प्रेस करेंगे और उसके बाद हम करेंगे सीक्वेंस, तो जो हमारी वैल्यू होगी उसको वो सीक्वेंस कर देगा। उसके बाद हम करेंगे लाइन का यूज, लाइन के जरिए हमारे पास जितने डिजिट्स होंगे उतनी क्वांटिटी बता देगा, ठीक है। तो उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे जहाँ से हमने टोटल करना है, सम करना है, उसको हम सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद हमने ब्रैकेट बंद की, क्योंकि हमारे पास दो ब्रैकेट ओपन है इसलिए हम दो बार उसको बंद करेंगे। उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे, कॉमा प्रेस करने के बाद आप वन प्रेस करेंगे क्योंकि हम ईच करेक्टर को सम करना चाह रहे हैं। तो इसके बाद हम डबल ब्रैकेट बंद और इसको किया एंटर, तो ये हमारे पास इसका जवाब आ गया। तो ये अगर आप फार्मूला की डिटेल देखना चाह रहे हैं तो ये आपके पास फार्मूला की डिटेल है। अगर हम इसको वन बाई वन चेक करते हैं, जैसे टू यहाँ टू लिखा है, उसके बाद फाइव है फाइव लिखा है, उसके बाद फोर है फोर यहाँ लिखा है, आठ एट है एट को यहाँ मेंशन किया और सिक्स को यहाँ मेंशन किया। अगर हम सबको सम करेंगे तो हमारे पास 25 इसका आंसर होगा, और यहाँ हमारे पास 25 है। अगर हम यहाँ से कोई वैल्यू चेंज करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ये इसकी वह अपडेट कर देगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का जरूर इजहार कीजिए। बहुत शुक्रिया।